संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए यूपी के मुद्दे पर कैसे संजय सिंह ने सरकार को घेरा। मैं सबसे पहले तो इस संशोधन का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं सर, लेकिन ये सरकार जब पिछड़ों के हित में कोई बात कहती है, इनके मंत्री और तमाम सांसद पिछड़ों और दलितों के हित में तमाम योजनाएं लागू करने की बात जब कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी इनकी कार्यप्रणाली को याद करके। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? प्लीज आप बोलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया, उनकी 18,000 नौकरियां खाली। यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा सर, बात यहां पर हो रही थी मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में, कमंडल लेके निकल गए थे। और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मानवर जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है सर। आज यह हालत है, इनके राज्यों में क्या हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मूछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। आपके जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को दबाने का काम आपने किया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सर, इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में 500 लोगों को रहने के लिए तो कह रहे हैं लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यानी आरक्षण जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका ये दिखावा मात्र है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। मैं माननीय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में, वो दर्ज है कार्रवाई विजय साई रेड्डी के प्राइवेट मेंबर बिल पे। आप बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं, तो मैं माननीय ये कहना चाहता हूं खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, गैंगस्टर बना रहे सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं, बिल्कुल गैंगस्टर बिल पर, बिल पर, बिल पर, योगी जिसे कहिए बिल पर, बिल पर बोल, इनकाउंटर कर दे मेरा, इनकाउंटर कर दे, 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है
वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी, धन्यवाद संजय सिंह जी। कंक्लूड कर रहा हूं सर, जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग महंगाई से परेशान है, उनकी नौकरियां चली गई, उनको हक दीजिए उनका सर। कोरोना की महामारी से उनकी कमर टूट गई, पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है, अगर उनकी पीड़ा को आप समझना चाहते हैं तो उनको हक दीजिए। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछड़ों नेक्स्ट स्पीकर श्री विनय विश्वम जी, वहाँ पानी चोरी करने का काम आपने किया। श्री विनय विश्वम जी धन्यवाद, जब आप धन्यवाद संजय सिंह जी, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। विनय विश्वम जी, देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।